नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां एक शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में शमशान घाट में नवनिर्मित गलियारे की छत गिरने से हुए हादसे में मुरादनगर पालिका की अधिकारी निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, JCP व आशीष सहित अन्य अज्ञात व संबंधित अधिकारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज की गई थी। मंडलायुक्त अनीता के निर्देश पर गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार, लापरवाही सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने EO समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ठेकेदार फरार है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही मंडलायुक्त और IG मेरठ को मुरादनगर हादसे की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 2 महीने पहले ही इस गलियारे का निर्माण किया गया था। 15 दिन पहले इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। इतना ही नहीं, अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ था। घटिया निर्माण की वजह से हुए इस हादसे ने अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की पोल खोल कर रख दी है। हम आपको बता दें कि रविवार सुबह एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल होने के लिए बंबा शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश की वजह से कई लोग गलियारे में खड़े हो गए थे। इसी दौरान नवनिर्मित गलियारे का लैंटर अचानक गिर गया और इसकी चपेट में आकर 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के तुरंत बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, PSP और NDRF की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए EO, इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ठेकेदार अभी तक फरार है। जानकारी के अनुसार निहारिका सिंह EO मुरादनगर नगर पालिका, चंद्रपाल जूनियर इंजीनियर और आशीष सुपरवाइजर व अजय त्यागी ठेकेदार पर निर्माण व सामग्री में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इस हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। नगर की घटना अत्यंत दुखद घटना है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और IG रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश सरकार शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। लगातार लोग निकल रहे हैं जो अच्छे व्यवस्था में, तो भगवान से हम भी दुआ कर रहे हैं और आप लोग भी दुआ कर रहे हैं कि वो बच जाए। तो हम उनको ये नहीं मान के चल रहे हैं कि भी कितनी कैजुअलिटी है। मेरे को जो बताया गया है कि 25 से 30 लोग यहाँ चले गए हैं। करीब 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ चल रहा है। तो अभी इसी तरह सबका ध्यान ऐसा है कि ये बिल्डिंग बन रही है जो मेरे को बताया गया है और ये जो भी पिछला दुखद हादसा है बहुत जबरदस्त, इसके लिए IG और कमिश्नर ऑलरेडी टीम बना दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसलिए यहाँ केवल भेजा है। पहली प्राथमिकता ये है यहाँ कि हर घायल का ठीक से इलाज हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जंगम आयुर्वेदा,
जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता, बना आपकी जिंदगी का हिस्सा। अब जंगम आयुर्वेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट, जिनमें शुगर के लिए जंगम डी रस योग किट, जोड़ों के जिद्दी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वर्ण कलश नारी योग किट, बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट, बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचक रस किट, थायराइड के लिए जंगम थायरो किट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुर्बलता ठीक करने में सहायक जंगम स्वर्ण कलश योग किट के साथ साथ और भी अद्भुत औषधियां। इन सभी औषधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य, डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स व मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें। जंगम आयुर्वेदा, नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9817098180।